हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को स्वीट पोटैटो के बारे में बताऊंगी और हम जानेंगे कि कैसे हम देसी और ऑर्नामेंटल दोनों टाइप के स्वीट पोटैटो वाइन को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। स्वीट पोटैटो वाइन अगर आप लोग उगाना चाहते हैं तो ये बहुत ही इजीली उग जाते हैं और इसके लिए आपको कहीं से भी कुछ मंगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो हम सब्जियां अपने यहाँ लेके आते हैं आपको मंडी में भी मिल जाएगा, कहीं भी इजीली अवेलेबल है। तो आप सीधे स्वीट पोटैटो मंगाएं और उससे किस तरह से ग्रो करेंगे ये अब हम लोग देखते हैं। ये देखें, मेरे पास अभी से 15-20 दिन पहले मैंने ये स्वीट पोटैटो मंगवाया था और मैंने इसे हाफ हाफ कट करके इस तरह पानी में एक ग्लास में कट करके डाल दिया था। अभी आप देखें 15 से 20 दिन में, अभी इसका सीजन है, गर्मी के दिन में बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो आप देखें 15 से 20 दिनों में इसकी रूट इतनी अच्छी डेवलप हो चुकी हैं। आप इसे ध्यान से देखें, ये ग्लास का शेप ले चुकी हैं, बहुत ही बढ़िया रूटिंग हुई है। और आप देखें इसमें स्प्राउट कितना अच्छा निकला हुआ है। ये जो स्प्राउट आप निकला हुआ, ये जो स्टेम देख रहे हैं ये स्लिप कहलाता है। और हम आप देखें यहाँ पे कि हम इस स्लिप से पता नहीं ये जितने सारे स्टेम निकले हुए हैं उतने सारे हम प्लांट अलग अलग ग्रो कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो इसे पूरा ही इस तरह से मिट्टी में लगा दें तो भी ये बहुत बढ़िया ग्रो करता है और बहुत अच्छे से चलता है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे हम इसे ग्रो करेंगे। यहाँ आप लोग देखें, ये मेरे पास ये देसी वाला, मतलब जो हम नॉर्मल मार्केट से स्वीट पोटैटो लेकर के जो उससे हम प्लांट तैयार करते हैं वो देसी वैरायटी कहलाती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैंने इस ट्यूबर से इसको डेवलप किया है। ये हमारी देसी वैरायटी है। इसके लीफ कुछ इस तरह के होते हैं और बहुत सुंदर कट लीव्स होते हैं और ये बहुत हार्डी प्लांट होता है। आप जैसे भी लगाएंगे आराम से चलेगा क्योंकि गर्मियों में ही इसका सीजन होता है। और दूसरा मेरे पास ये, आप लोग देखें, ये नियोन कलर का ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन है। इसमें एक और वैरायटी होती है जो पर्पल कलर की होती है और बहुत खूबसूरत दिखती है। हालांकि इनके नीचे भी ट्यूबर बनते हैं, अगर आप इसको बड़े पॉट में लगाएं तो इसमें भी नीचे से ट्यूबर डेवलप हो जाता है, लेकिन वो खाने में टेस्टी नहीं होते, खाने में उसमें वो स्वाद नहीं होता जो ये देसी वाले में होता है। तो अगर आप लोग डेकोरेशन के पर्पस से लगाना चाहते हैं तो ये बहुत सुंदर दिखते हैं क्योंकि ये नियॉन कलर के होते हैं और लटकते हुए अगर आप हैंगिंग बास्केट में इसको लगाएंगे तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तो अगर आप लोग को इस तरह का प्लांट लगाना है तो आप कहीं से भी कटिंग ले आएँ या फिर नर्सरी से एक छोटा प्लांट ले आएँ और उससे आप अनगिनत प्लांट बना सकते हैं। आप देखें मेरे पास इसकी कटिंग थी और ये भी मैंने तकरीबन 15 से 20 दिन पहले इसको पानी में डाला था। अब आप इसकी रूटिंग देख सकते हैं और बहुत इजी है लगाने में, ये मरते नहीं हैं, बहुत हार्डी प्लांट हैं। अगर आप इसका केयर ठीक ठाक ढंग से करते रहें तो ये बहुत अच्छा चलते हैं। लेकिन आज मेरा पर्पस है कि मैं देसी वाले, मैं दोनों आप लोगों को लगा के दिखा दूँगी, लेकिन मैं ये प्रॉपर वे में उगाना चाह रही हूँ ताकि 3 महीने बाद मुझे इसके ट्यूबर मिले और अच्छे से इसकी हार्वेस्टिंग हो पाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम मिट्टी प्रिपेयर करेंगे। इसको अगर आप लोग डेकोरेशन पर्पस से लगाना चाह रहे हैं क्योंकि दोनों ही खूबसूरत दिखते हैं, तो हमें ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे से छोटे पॉट में भी इनको ग्रो कर सकते हैं। आपको ट्यूबर नहीं मिलेंगे लेकिन इसकी लीफ पूरे गर्मियाँ नवंबर तक चलती रहती हैं और बहुत अच्छा आपके गार्डन में ग्रीनरी भी ऐड करती हैं। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, अगर छोटे पॉट अवेलेबल होते हैं तो मैं उसी में लगा देती हूँ। और मैंने बहुत पहले इसको ग्रो किया था और मेरी हार्वेस्टिंग भी बहुत अच्छी हुई थी और इस बार फिर से मैं आप लोगों के साथ ग्रो करने जा रही हूँ। और साथ के साथ मैं आप लोगों को ग्रो बैग भरना भी बता दूँगी कि कैसे हम ग्रो बैग भरें ताकि उसमें हमारे प्लांट बेहतर ढंग से चल सकें। तो आप देखें कि यहाँ पे ये एक मेरे पास तकरीबन ये 12 इंच का है,
12 इंच के मेरे दोनों ग्रो बैग हैं। अगर आपके पास इससे भी बड़े ग्रो बैग हों तो आप उसमें ट्राई करें, क्योंकि जितना बड़ा आपका प्लांट का एरिया होगा उतने ही ट्यूबर डेवलप होंगे, तो इसका ध्यान रखें। मेरे पास बहुत बड़ा नहीं है ग्रो बैग, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। आप लोग 15 इंच से बड़े पॉट में या फिर ग्रो बैग में यूज़ करेंगे, अगर इसको लगाएंगे तो बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग आप लोगों को मिलेगी। तो यहाँ देखें, यहाँ मेरी मिट्टी तो तकरीबन तैयार है, लेकिन मैं आप लोगों को इसे निकाल के फिर से ग्रो बैग कैसे भरते हैं वो दिखाती हूँ। हमारे पॉट्स में, डिफरेंट पॉट्स में मिट्टी भरने का तरीका अलग होता है, क्योंकि ये हमारा ग्रो बैग है, इसमें पानी होल्ड हो जाता है काफ़ी देर तक, इसमें मॉइस्चर उड़ता नहीं है, इसलिए हम देखेंगे कि कैसे हमें इसे प्रॉपर ढंग से फिल करना है। आप यहाँ देखें, मेरी मिट्टी आपको बहुत अच्छी दिख रही होगी, भुरभुरी मॉइस्ट। और इसका मैं जब फर्स्ट टाइम इसमें मैंने मिट्टी भरा था तो मैंने कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ किए थे वो मैं आपको दिखा दूँ। बहुत ही ईजी और सिंपल वे है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास कुछ सुखाई हुई टहनियाँ हैं, ये मैं स्पेशली ऐसे ही भरती हूँ ग्रो बैग, यहाँ मैं नीचे डाल देती हूँ। आपके पास चाहे सूखी हुई पत्तियाँ हों तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये टहनी डालने का पर्पस ये होता है कि नीचे का हमारा जो 2 इंच का एरिया होता है, यहाँ से ये 2 इंच का जो एरिया होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटे छोटे होल बने हुए हैं, इनसे पानी का निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग ग्रो बैग में डेवलप करने के बाद उनके पौधे 50% पौधे मर जाते हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे ये सारे होल खुले रहें, इसके लिए हम इस टहनी का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम इसे 1.5 से 2 इंच से फिल कर लेंगे। ये जो स्वीट पोटैटो वाइन की जो मिट्टी होती है उसमें हम नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर बहुत मिनिमम रखेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन अगर ज़्यादा इसमें डल जाएगा तो हमारे फोलियज, ये जो जितने लीव्स हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और नीचे हमारा ट्यूबर बनेगा ही नहीं, तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है। और अगर हम हैंगिंग बास्केट में सिर्फ इसके फोलियज के लिए इसको लगाते हैं तो हमें नाइट्रोजन ज़्यादा ऐड करना है, उसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर ज़्यादा ऐड करना है, जैसे कि काउडंग कंपोस्ट सबसे बेस्ट है मिट्टी में ऐड करने के लिए। तो जब हम इसको फ्रूट, मतलब इसकी रूट के लिए, ट्यूबर के लिए जब हम उगाते हैं तो हम इसमें सिर्फ 10% काउडंग मैन्योर मिलाएंगे मिट्टी में बस। और जैसा कि हमें पता है कि ये बालू वाली मिट्टी में बहुत अच्छे से थ्राइव करता है, जैसे कि हम नदी किनारे और इस तरह की जगहों में ये इसकी बहुत ज़्यादा खेती की जाती है, तो हम अपने मिट्टी में सैंड को ज़्यादा मिलाएंगे, मतलब 40-60 के रेशियो में। 40% हमें सैंड लेना है और 60% मिट्टी लेनी है और 10% हमें काउडंग कंपोस्ट लेना है बस। मेरी ये मिट्टी 40% सैंड इसमें मिला हुआ है, देखिए इस तरह का रिवर वाला सैंड आपको यूज़ करना है, इस तरह का। अब हम इसमें इसको डाल देंगे ताकि इसमें पानी, सबसे बड़ी बात है अगर इसमें ज़्यादा पानी हुआ तो आपका ट्यूबर बनेगा नहीं, वो रॉट हो जाएगा और डेवलप ही नहीं होगा, तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। और रुक जाए, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, मेरे पास इससे डबल साइज का एक ट्यूबर था स्वीट पोटैटो, उसको मैंने हाफ कट करके और इस तरह से टूथपिक को इसमें, देखें मैंने इस तरह से डाला हुआ है ताकि हमारा ये नीचे में टच ना करे, इसलिए। और जैसे जैसे ये रूट नीचे डेवलप होता गया, देखें ये इस तरह के शेप में आ गया है। और इसका जो हाफ पार्ट था उसको मैंने दूसरे ग्लास में पानी डाल करके वैसे ही रख दिया था, तो दोनों मेरा इतने ही बेहतर ढंग से डेवलप हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये नहीं देखना है कि आगे वाला पोर्शन कौन है, पीछे वाला कौन है, कोई उससे मतलब नहीं है। आपको बीच से कट करना है और दोनों से स्प्राउट निकल जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। और आइए अब हम इसे ऐसे ही लगा देंगे। अगर आप लोगों को बहुत सारे प्लांट चाहिए होंगे तो आप इसके स्लिप्स जो देख रहे हैं, इसको अलग अलग इस तरह से मैं आपको दिखा ही देती हूँ,
जैसे देखें, एक मैंने यहाँ से इस तरह से निकाल लिया, ये देखें, इस तरह हम सीधे लगा देंगे। इससे नीचे वो डेवलप होने लगेगा और बाद में जाके ट्यूबर डेवलप हो जाएगा। तो हम इसे सीधे इस तरह से लगा देते हैं पूरा, इसके साथ ही ट्यूबर के साथ ही हमने लगा दिया। पानी डाल देंगे और 4 से 5 दिन हम इसे सेडी प्लेस पे रखेंगे, लेकिन उसके बाद हमें इसे फुल सनलाइट में रखना है, क्योंकि फुल सनलाइट के बिना इसका ट्यूबर डेवलप नहीं होगा। ये गर्मियों का ही प्लांट है। और अगर हम इसे हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं, ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये देखें, इसे पानी में डालने के बाद ये ऑर्नामेंटल वाले हैं, बहुत अच्छी रूट निकली हुई है। और यहाँ देखें, ये मेरी हैंगिंग बास्केट भी रेडी है। क्योंकि हमें इसका फोलियज चाहिए, इसलिए मैंने इसमें 40% काउडंग कंपोस्ट ऐड किया है। हमने इसमें 10% काउडंग कंपोस्ट ऐड किया था, क्योंकि हमें फोलियज नहीं चाहिए, हमें ट्यूबर चाहिए। तो सिंपली हमें इसमें लगा देना है, 3-4 प्लांट एक साथ लगाएं, ताकि आपका हैंगिंग दिखने में बहुत सुंदर लगेगा, फुल भरा हुआ दिखेगा। इस तरह से हमें तीनों किनारों पे लगा देना है, ताकि नीचे की तरफ हैंग करें। बहुत सिंपल तरीका है। इसको भी सेडी प्लेस में रखें और 2-3 दिन के बाद आप अपने मन चाहे किसी भी जगह में इसको रख सकते हैं। अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जाननी है कि जैसे ही हमारा प्लांट 1 महीने का हो जाए, उसके बाद हमें इसमें पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र डालना है, जिससे कि इसके ट्यूबर बड़े हो सकें। तो पोटेशियम आलू के छिलकों में होता है और केले के छिलकों में होता है। फास्फोरस के लिए ऑनियन पील्स हम ले सकते हैं। इन दोनों को अच्छे से सुखा करके आप ग्राइंडर में क्रश कर लें, या फिर पानी में भिगो करके रख दें और हर 15 दिन बाद इस मिट्टी में अप्लाई करें। आप देखेंगे कि आपका ट्यूबर बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा है। फोलियज को कंट्रोल्ड रखें, नाइट्रोजन ना देके, और नीचे ट्यूबर को बढ़ने में पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र बहुत बढ़िया रहता है। या आपके पास कोई मार्केट में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अगर पोटेशियम बेस मिलता है तो आप उसको इसमें डाल सकते हैं। यही इसके सक्सेसफुल होने का ये 2 मेन पार्ट है, जिसका आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी और 3 महीने लगातार आपके गार्डन में ग्रीनरी भी ऐड रहेगा। आप लोग देखें, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये लाई थी, तो मैंने इसमें 2 ट्यूबर डेवलप किए थे और वो मेरे टूट के हाफ़ हाफ़ हो गए हैं। लेकिन मैं इसको फेंकूंगी नहीं, क्योंकि यहाँ से भी स्प्राउटिंग छोटे छोटे निकल रहे हैं। दोनों ही मैं लगा दूंगी, ताकि ये मेरे दोनों डेवलप हो जाएं। अब हमें एक और इम्पॉर्टेंट बात जाननी है कि वाटरिंग हम कैसे करें। वेल ड्रेन्ड मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसमें 40% सैंड ऐड किया है, इसलिए हमारी मिट्टी वेल ड्रेन्ड है। हमने नीचे भी कुछ टहनियाँ और डंडियाँ रखी हैं, इससे ये मिट्टी हमारी वेल ड्रेन्ड है। आप जब भी इसकी मिट्टी को बहुत ज़्यादा मॉइस्ट ना रखें, थोड़ा ड्राई ही रहेगा, ताकि ट्यूबर के गलने के चांसेस बहुत कम हों। तो आपको पानी का बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज़ सारी मेहनत करने के बावजूद भी आपको अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगी। तो बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और आप देखेंगे कि आप बहुत बढ़िया, आपके गार्डन में भी स्वीट पोटैटो होगा। और मैं आप लोगों को अपनी इसकी हार्वेस्टिंग ज़रूर दिखाऊंगी, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी लगाएं और मेरे साथ शेयर करें कि आप लोगों ने किस तरह का हार्वेस्ट किया। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लीव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।